पेरिया, ये वो नाम है जिसे सुनते ही ब्राह्मणवादियों की हालत खराब हो जाती है। जातिवादी जितना पेरियार के नाम से डरते हैं उतना ही खौफ उनके विचारों से भी खाते हैं। पेरियार के महान क्रांतिकारी विचारों को सुनते ही ब्राह्मणवादियों को मिर्ची लग जाती है। लेकिन अब जल्द ही ब्राह्मणवाद और पेरियारवाद में सीधी टक्कर होने वाली है। पेरियार अन्ना 21 भाषाओं में अपना जलवा बिखेरने आ रहे हैं। मौजूदा दौर में भले ही ब्राह्मणवाद मजबूत नजर आ रहा हो, लेकिन अब ब्राह्मणवाद और पेरियारवाद में सीधी मुकाबले की टक्कर होने वाली है। दक्षिण के सुकरात के नाम से मशहूर ईवी रामास्वामी नायकर पेरियार के विचार अब जल्द ही घर घर पहुंचने वाले हैं। जल्द ही पेरियार की रचनाओं का हिंदी और मराठी समेत 21 भारतीय भाषाओं में अनुवाद होगा। जी हाँ, अब पेरियार के महान क्रांतिकारी विचार सिर्फ हिंदी में नहीं बल्कि 21 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध होंगे। यही नहीं, अब पेरियार अन्ना किताबी पन्नों से निकलकर डिजिटल भी होने जा रहे हैं। इन रचनाओं को ई बुक्स, ऑडियो वीडियो जैसे डिजिटल रूप में भी उपलब्ध कराने की योजना है। दरअसल तमिलनाडु सरकार पेरियार के कलेक्टिव वर्क्स को 21 इंडियन लैंग्वेजेस में पब्लिश कराने का बीड़ा उठा रही है। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने इसके लिए बजट में बाकायदा 5 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। लंबे समय से इसकी मांग हो रही थी कि पेरियार के महान क्रांतिकारी विचारों को हिंदी मराठी समेत अन्य भारतीय भाषाओं में भी ट्रांसलेट किया जाए। इस बारे में वरिष्ठ पत्रकार दिलीप मंडल ने अपनी फेसबुक वॉल पर लिखा, ये बुजुर्गवार हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं में बड़े पैमाने पर आ रहे हैं। प्राइवेट पब्लिशर पेरियार को छिटपुट पहले भी छाप रहे थे, अब तमिलनाडु सरकार लगेगी। पहले साल के लिए 5 करोड़ का बजट होगा। हिंदी क्षेत्र में सावरकर, गोलवलकर बनाम अंबेडकर पेरियार, स्वागत कीजिए इस वैचारिक द्वंद का। आइए आपको बताते हैं कि ईवी रामास्वामी नायकर पेरियार आखिर कौन थे। 17 सितंबर 1879 को ईवी रामास्वामी नायकर पेरियार का जन्म तमिलनाडु के इरोड में हुआ था। पेरियार वैज्ञानिक दृष्टिकोण और अद्भुत तार्किक क्षमता वाले विचारक थे। उन्होंने दलित पिछड़े समुदाय को बराबरी का दर्जा दिलाने के लिए अपना पूरा जीवन लगा दिया। पेरियार अकेले ऐसे राजनेता हैं जिन्होंने दक्षिण भारत में ब्राह्मणवाद की जड़ें उखाड़ दी। अंधविश्वास, छुआछूत और पाखंडवाद के कट्टर विरोधी पेरियार की सच्ची रामायण ब्राह्मणवाद की बखिया उधेड़ कर रख देती है। आज भी पेरियार के विचार न सिर्फ बहुजन आंदोलन को ताकत देते हैं बल्कि गैर बराबरी के खिलाफ लड़ने की हिम्मत भी देते हैं। अपने तर्कों से अच्छे अच्छों को पानी पिला देने वाले पेरियार साहब के विचार उस समय जितने प्रासंगिक थे उतने ही वो आज भी हैं। भारत के मूल निवासियों के आत्मसम्मान की लड़ाई लड़ने वाले पेरियार साहब के विचार अन्याय के खिलाफ लड़ने की प्रेरणा देने वाले हैं। पेरियार ने हिंदू धर्म में पसरे ब्राह्मणवाद का कड़ा विरोध किया। उन्होंने तर्कवाद, विज्ञान, आत्मसम्मान, समानता और महिला अधिकार पर खास जोर दिया। वो ब्राह्मणों की बनाई जाति प्रथा के घोर विरोधी थे। पेरियार ने कहा था, ब्राह्मण हमें अंधविश्वासी बनाने के लिए तैयार करता है। वो खुद आरामदायक जीवन जी रहा है, तुम्हें अछूत कहकर निंदा करता है। मैं आपको सावधान करता हूं कि उनका विश्वास मत करो। ब्राह्मणों ने हमें शास्त्रों और पुराणों की सहायता से गुलाम बनाया है। अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए मंदिर, ईश्वर और देवी देवताओं की रचना की है। सभी मनुष्य समान रूप से पैदा हुए हैं, तो फिर अकेले ब्राह्मण उच्च और अन्य को नीच कैसे ठहराया जा सकता है? आप अपनी मेहनत की गाड़ी कमाई क्यों इन मंदिरों में लुटाते हो? क्या कभी ब्राह्मणों ने इन मंदिरों, तालाबों या अन्य परोपकारी संस्थाओं के लिए 1 रुपया भी दान दिया है? पेरियार इतने बड़े क्रांतिकारी थे कि वो सीधे ब्राह्मणवाद की नींव पर चोट करते थे। वो कहते थे कि ब्राह्मणों ने अपने मनगढ़ंत धार्मिक ग्रंथों से लोगों को मानसिक गुलाम बना दिया है और इस गुलामी की जंजीरों को तोड़ा जाना चाहिए। एक बार पेरियार साहब ने कहा था, ईश्वर की सत्ता स्वीकारने में किसी बुद्धिमत्ता की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन नास्तिक होने के लिए बड़े साहस और दृढ़ विश्वास की जरूरत पड़ती है। ये स्थिति उन्हीं के लिए संभव है जिनके पास तर्क और बुद्धि की शक्ति हो। पेरियार के ये विचार सुनते ही ब्राह्मणवादी तिलमिला जाते हैं और आने वाले दिनों में ये तिलमिलाहट और ज्यादा बढ़ने वाली है, क्योंकि पेरियार के ये महान क्रांतिकारी विचार अब 21 भाषाओं में उपलब्ध होने वाले हैं।
तमिलनाडु की स्टालिन सरकार अब पेरियार का कलेक्टिव वर्क पब्लिश कराने वाली है। इस बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें और हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। पेरियार के इन क्रांतिकारी विचारों को आप इस वीडियो के माध्यम से भी दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। उस पर कई वीडियो हमने बनाई है, उन वीडियो को भी देखें और इस वीडियो को भी अन्य लोगों के साथ शेयर करें। साथियों, मेरा नाम सुमित चौहान है और इस वीडियो स्टोरी में मेरी मदद कर रहे हैं मेरे सहयोगी मोहित और अजरा। फिर किसी वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय भीम जय पेरियार।